फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं विवेक दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स की। और वो स्टूडेंट्स माय डियर जिन लोगों ने आरआरबी मुजफ्फरपुर, पटना और रांची से फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तथा जिन भी स्टूडेंट्स को माय डियर समस्तीपुर डिवीजन अलॉटमेंट हुआ था, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है माय डियर। बहुत से कैंडिडेट जिनकी अगस्त में ज्वाइनिंग होनी थी, डीवी मतलब डेट ऑफ रिपोर्टिंग उनकी अनाउंस हो गई थी, वो हाल फिलहाल आज की डेट में माय डियर कैंसिल हो चुकी है, मतलब पोस्टपोन्ड हो चुकी है माय डियर। ठीक है, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं माय डियर प्रॉपर तरीके से। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी शेड्यूल रिपोर्टिंग डेट वो है, बहुत से नए स्टूडेंट्स हैं जिनके अनाउंस हो चुके हैं माय डियर, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, वो भी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए माय डियर, यहाँ पर मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। आज की में यहाँ पर दो नोटिस रिलीज हुए माय डियर। देखिए, पहला नोटिस माय डियर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट CEN 1/2018 फ्रॉम RRB पटना, रांची एंड मुजफ्फरपुर। ठीक है, आज की डेट में। और दूसरा नोटिस है माय डियर, इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम RRB पटना, रांची और एंड मुजफ्फरपुर एंड RRC दीघा घाट पटना, मतलब ये ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों नोटिस एक एक करके देख लेते हैं माय डियर। चलिए चलते हैं पहले नोटिस है माय डियर। यहाँ पर मैंने पहला नोटिस ओपन कर, देखिए CEN 1/2018 के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर, पटना और रांची के चयनित टेक्नीशियन डीजल मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ट्रेन लाइटिंग एंड टेक्नीशियन 3 फिटर कोटी के अभ्यर्थियों जिनका पैनल हाजीपुर द्वारा इस मंडल को प्राप्त हुआ था का विवरण, ये 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये 50 स्टूडेंट्स है जिनकी जो ज्वाइनिंग थी माय डियर, इनकी ज्वाइनिंग देखिए रिपोर्टिंग डेट अनाउंस कर दी थी 18/8 को और 19/8 को इनकी ज्वाइनिंग थी। और इनका जो पैनल रिलीज हुआ वो कब हुआ था, ये 28/6 को इनका बताया हुआ था, स्टूडेंट्स का पैनल आया हुआ था कि इनको इस तारीख को रिपोर्ट करनी है। बट माय डियर, COVID-19 की वजह से ये क्या है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया है। ठीक है, अब इसकी जो न्यू डेट आएगी ना, वो इनको ये लोग वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे माय डियर। तो ये हाल फिलहाल आपके लिए पोस्टपोन हो चुका है जिन जिन भी स्टूडेंट का था। मैं एक बार इन स्टूडेंट्स की प्रॉपर लिस्ट दिखा देता हूँ, कौन कौन से स्टूडेंट्स है माय डियर। ये देखिए माय डियर, यहाँ पर मैंने देखिए जो नोटिस आया हुआ था पहले का, जो 50 स्टूडेंट्स का, इन इन स्टूडेंट्स की देखिए आप नाम सकते हैं। इन स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग थी 17 और 18 अगस्त को जो भी है, ठीक है ना, उनकी हाल फिलहाल अभी 18 और 19 अगस्त को इनकी जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग थी, ये हाल फिलहाल आज की डेट नोटिस आई होगी, इनको कैंसिल कर दिया है प्रॉपर तरीके से, मतलब प्रॉपर नहीं मतलब पोस्टपोन कर दिया है इनकी नेक्स्ट डेट के लिए। आप लोग वेबसाइट पे अपडेट रहें। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं माय डियर। दूसरा इसका माय डियर, यहाँ पर मैंने जो दूसरा नोटिस था जिनकी न्यू एग्जाम जो न्यू रिपोर्टिंग डेट थी वो यहाँ पर अनाउंस कर दी है माय डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर, पटना, रांची एवं RRC पटना के द्वारा चयनित विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों का पैनल जो मंडल को प्राप्त हुआ है, संबंधित सूचना निम्नवत है। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का पैनल रिलीज हो, और जितने भी स्टूडेंट्स माय डियर इसमें जितने भी स्टूडेंट्स की ये रिपोर्टिंग डेट है उनको बाई पोस्ट उनको रिपोर्टिंग डेट के लिए भेज दिया गया है जो भी डॉक्यूमेंट्स था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, एक तो आपके AL टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, दूसरा ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं और तीसरा JEE के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग डेट इन लोगों ने बोली हुई, देखिए 27/10 है, 28/10 है, 29/23 है, तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं माय डियर। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितनी 27 कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3-4 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। उक्त सूची के क्रम संख्या 1 से 9 तक के कोटि को के अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भेजा जा चुका है। उक्त कोटि के अभ्यर्थी ऑफर लेटर में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए उपरोक्त रिपोर्टिंग तिथि को मंडल रेल समस्तीपुर में रिपोर्ट करेंगे। मतलब 1 से 9 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, ये लिस्ट में दिए हुए थे, तो उनका ऑफर लेटर उनको भेजा जा चुका है, और जो भी रिपोर्टिंग डेट है वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उक्त और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको फ्यूचर में ऑफर लेटर माय डियर भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो जो फ्यूचर में भेजा जाएगा तो उस हिसाब से आप लोग जाइएगा अपनी रिपोर्टिंग डेट पे DB के लिए। और तीसरा पॉइंट माय डियर बोला गया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है माय डियर, तो इसमें आप देखिए
यहाँ पर इस टाइम के हिसाब से आप यहाँ पर कॉल करके कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं माय डियर, ठीक है। तो ये था माय डियर पूरा नोटिफिकेशन। कुछ स्टूडेंट्स का जो क्या है, जो आपकी डीवी शेड्यूल था वो कैंसिल कर दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स का क्या है ये भेजा गया हुआ है उनको बाई पोस्ट, ठीक है। तो ये था फुल नोटिफिकेशन दोस्तों। इसके मैं अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं आइडिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।